राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं कान्हा जी की बहुत सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ। इसे आप डे में पहना सकते हो और रात को सोते टाइम भी पहना सकते हो। तो देखिए, निक्कर टी शर्ट है, हाफ पैंट और शर्ट, बहुत सुंदर है और बहुत क्यूट लगते हैं कान्हा जी। ये देखिए बैक साइड से, ये बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत सुंदर शर्ट है और निक्कर है, अब गर्मियों की पोशाक है, बहुत सुंदर लग रही है। तो करते हैं स्टार्ट, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, हमारे पास नेट का कपड़ा है और ये नीचे लाइनिंग है। हमने ये इक्वल काटा है, तो ये है 3.5 इंच चौड़ा है और 4.5 इंच लंबा है। तो अब हमने इसको क्या करना है, दो पीस हमने ये ले लिए हैं और एक ये हमारे पास, ये हमारा ब्लूमर का है। ये देखिए, ये हमारा 6.5 और यहाँ से है, ये देखो 2.5 है तकरीबन, तो 3.5 है ये, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है एक, इसमें ये ब्लूमर है हमारा, यहाँ से तो देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। इतनी लगानी है जितनी आपकी लास्टिक है, लास्टिक इसमें आराम से आ जाए। बस हमने सिलाई लगा ली, हम लास्टिक डालेंगे। देखो मैंने नीचे मैंने डाल दी है और ऊपर मैं आपको डाल के बताती हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है मैं इसलिए थोड़ा काम। तो देखिए, इसको हमने इसमें सेफ्टी पिन में, सिर की पिन में इसको डाल दिया है। लास्टिक थोड़ी लंबी रखना क्योंकि बाद में हम इसको काट लेंगे, नहीं तो सिलाई करते वक्त हमारी निकल जाती है। तो दोनों साइड हमने ये इलास्टिक डाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तो लंबी है, बाद में काटेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे हम दोनों साइड। इस साइड भी सिलाई लगानी, इस साइड भी, तो 2-2 इंच नीचे की थोड़ी आपने चौड़ी रखनी है, हल्की सी, तो हमने ज़्यादा नहीं, 2 इंच ही रखनी है इलास्टिक। थोड़ा आराम से खींचना ताकि निकले ना। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। इस साइड भी, ये देखिए ऊपर साइड आपने थोड़ी टाइट रखनी है, जितनी आपकी कमर है कान्हा जी की। तो हमारे कान्हा जी की 2 नंबर की सर 3 इंच होती है, 3 इंच कमर होती है, तो इतनी आपने इलास्टिक लेनी है बस, ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो फिर हमारे कमर से निकलती रहेगी वो। और यहाँ से हम थोड़ी इसको ज़्यादा ले लेंगे, 4 इंच ले लेंगे। ये हमने इलास्टिक डाल दी इसमें, तो यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे, तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली। अब क्या करेंगे हम इसको, अब ये देखिए इस तरह इसको पहले सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ से फोल्ड करके। अब देखिए ये जो हमारा इस ऐसे करेंगे हम इसको, तो यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे हम जरा सी, ये देखिए ऐसे इस तरह से लगाएंगे हल्की सी, ये इस इतने बस थोड़ी सी लगानी है, हम ज़्यादा नहीं लगानी, वी शेप में लगा दो, देखो इस तरह से। अब यहां से इस साइड को मोड़ लेंगे, एक बार और लगा देंगे, थोड़ा सा निकलने को डर नहीं रहता।
तो ये देखिए ये वी शेप में लगाई हमने, इसका हल्का सा कट लगा देंगे अब, हल्का सा बीच में ज़रा सा बस। तो ये हमारा ब्लूमर बन के तैयार हो गया, इसको आप निक्कर बोल सकते हो, हाफ पैंट बोल सकते हो, लोअर बोल सकते हो। ये देखिए छोटा सा, क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत छोटे से हैं और छोटा सा ये बना है, नीचे से भी इलास्टिक लग गई, ऊपर से भी। अब हम शर्ट बनाएंगे। तो शर्ट के लिए देखो ये हमारा कपड़ा है, इसको हम इस तरह करेंगे और इस तरह से ये हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे हाफ का, और बस यहाँ से आपने क्या करना, ज़रा सा यहाँ से बराबर रखना है आपने। ये देखो ये कट लगा लेंगे, अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से थोड़ा राउंड में आना है, राउंड में आना है यहाँ से। और अब हम इस साइड से भी लगा लेंगे, इस साइड को हम ओपन छोड़ देंगे, अब इस साइड से भी लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से। बहुत ईजी है शर्ट, राउंड में सिलाई लगाई थी, यहाँ कट लगाएंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं ताकि सिलाई ना निकले, ज़रा ज़रा सा लगाना है और बड़े आराम से लगाना है ताकि यहाँ गले की फिनिशिंग आ जाए। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे, तो देखिए यहाँ हमने ये ओपन है हमारा जहाँ से हमने इसको निकाला, तो इसको हम अब क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए इस तरह से अंदर करते हुए इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हम सिलाई लगा लेंगे इसको, और यहाँ हम वेलक्रो लगा देंगे। तो अभी मैं बताती हूँ, पहले इसको सिलाई लगा दूँ। तो देखिए यहाँ पे अब हम सिलाई बाद में लगाएंगे, पहले हम ये वेलक्रो है हमारे पास, अगर आपके पास वेलक्रो नहीं है तो टिच बटन लगा सकते हो आप। तो ये देखिए वेलक्रो हमने थोड़ा थोड़ा काटा है यहाँ पर, और इसकी सिलाई लगा लेंगे, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। बाद में सिलाई लगा के थोड़ी मुश्किल आती है, साइडों की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। आप टिच बटन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। दोनों साइड लगा लेंगे, देखिए एक साइड हमने ऊपर लगा लिया है, अब दूसरी साइड हम नीचे लगाएंगे। तो ये वाली साइड हमने यहाँ नीचे साइड लगानी है। तो देखिए अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ज़रा सी सिलाई लगाएंगे, यहाँ बाजुओं के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से हल्की सी सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे हमारे सिले हुए हैं ये, इस तरह से सिलाई को डबल कर देना ताकि निकले ना। दूसरी साइड भी ऐसे लगा लेंगे हम, और हमारी शर्ट बन के तैयार हो गई है। बहुत सुंदर हमारा सेट बन के तैयार होता है ये, मैं अक्सर गर्मियों में अपने कान्हा जी को यही पहनाती हूँ। नाइट में पहना सकते हो आप, डे में पहना सकते हो, कैसे भी पहनाओ, बस ये खूब सारे कलरफुल बना के रख लीजिए और बहुत सुंदर लगते हैं पहनाए हुए। देखिए छोटी सी ड्रेस है, आप इधर से भी पहना सकते हो, ये देखो इस तरह से ऐसे पहना सकते हो,
और इस तरह से बना सकते हो। यहाँ आप इसको इस तरह से वेलक्रो यहाँ लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पहना सकते हो। तो बहुत सुंदर ड्रेस है ये, बैक साइड कर लो या फ्रंट कर लो आपकी मर्जी है, या इसको देखो। तो आपको इसको कॉम्बिनेशन में बना सकते हो, जैसे मैंने मैचिंग बनाया कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। गर्मियों की है, आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, मैंने नेट का लिया है। ये तो सिर्फ बनाने बताने के लिए लिया है, और कॉटन के भी आप बना सकते हो। बस मिलते हैं अगले वीडियो में नए आइडिया के साथ। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।